गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं वाटर लॉटरी दिखाने जा रहा हूँ और आप लोगों को ध्यान देना है मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ और किस तरीके से वाटर कलर ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं सिर्फ पेंसिल से आउटलाइन हल्का कर लेंगे, उसके बाद मैं वाटर कलर से डायरेक्ट मतलब कलर दिखाऊंगा। उसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है, किस तरीके से करना है। जैसे मैं देखो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ वाटर कलर, जो ट्रिक है लाइन, सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से मैं दिखाऊंगा, जो है उसी तरीके से बनाना है आपको। बिल्कुल सिंपल से दिखाऊंगा मैं, ऐसे लाइट वो क्या बनेगा वो आपको ध्यान देना है, कैसे होगा पहले, कैसे किस तरीके से था, और फिर आप ये पेज जो है ना कैसे देखने लगेंगे वो आपको ध्यान देना है। कहीं लंबे कहीं छोटा, मतलब इसी तरीके से आपको देना है। मैं फिर यहाँ भी डालूंगा, फिर डायरेक्ट कलर से, जस्ट इतना दिखाया मैंने, अभी कलर से किस तरीके से दिखाऊंगा वो ध्यान देना है आपको। ये पीछे की तरफ होगा, ये बैकग्राउंड में जैसे देखने लगेंगे आपको। इसमें पर्सपेक्टिव दिखाना है आपको, जैसे मैंने आउटलाइन खींचे है यानी ड्रॉ किए अभी, तो इसी तरीके से आपको पहले आउटलाइन से करना है और स्केचिंग जो कहते हैं हम लोग, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर कर रही है ये सारे। ये डिस्टेंस वाला भी देखेंगे आप, पास वाला भी देखेंगे। अब मैं इसी को वाटर कलर करने जा रहा हूँ, अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये ट्रिक। मैं पहले पानी थोड़ा सा लगा लूँगा इसमें, उसके बाद फिर कलर डालूँगा मैं। अब पानी लगा रहा तो फिर कलर डालू, अब फिर कलर लगा रहा हूँ मैं। बिल्कुल लाइट डालना है नीचे की तरफ, ऊपर से डार्क टू लाइट होते आएगा। इस तरीके से है,
इस तरीके से हमें करके जाना है वाटर कलर। देखिए अभी मैं कहाँ कौन सा कलर डाल रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो ग्रीनरी होंगे वो ग्रीनेस, तो उसमें मैं पहले लाइट येलो डाल दिए, तब जाके मैंने क्या इसमें ग्रीन डाल सकता है। इसमें भी लाइट टू डार्क डालना है मुझे। देखो इसी तरीके से डार्क टू लाइट करना है आपको, जो सामने वाला है जो पर्सपेक्टिव में है वो डार्क करना है मुझे, जो डिस्टेंस जो है वो धीरे क्या है लाइट करते जाना है, पास वाला डार्क करते जाना है और दूरी वाला लाइट करते जाना है मुझे। इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है पूरा वर्क। देखिए इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है, जैसे किस तरीके से बनाया मैंने लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, जैसे पर्सपेक्टिव कैसे भागा रहा हूँ मैं इसमें। तो कोई भी पेंटिंग बनाओ तो ध्यान से बनाना होता है और पेशेंसली काम करना होता है। जैसे देखो अभी एक पेज में कितना डिस्टेंस भाग रहा है और कितना पास में है,